लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में आज बिहार बचाओ अभियान चलाया गया। इसमें तमाम जिला से बिहार के सभी कार्यकर्ता और उनके चाहने वाले, उनके समर्थक, उनके पार्टी के सदस्यगण इस अभियान में शामिल हुए। पटना के जेपी गोलंबर से चलकर राजभवन तक यह अभियान था। हालांकि पटना पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद थी और जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी। कई जगह बैरिकेडिंग के बावजूद भी लोजपा के समर्थक माने नहीं, आगे बढ़ते गए। इसके बाद पुलिस का लाठी चला, रोकने का प्रयास किया गया लेकिन लोग नहीं माने। उसके बाद में वाटर कैनिंग, आंसू गैस और लाठी चार्ज भी पुलिस को करना पड़ा। उसके बावजूद भीड़ तीतर बितर हुई और अल्ताफ पटना के बेली रोड म्यूजियम हाईकोर्ट के पास लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और चौराहा जो आवागमन है पूरी तरह से बंद है आज। और तस्वीर देखिए, बैरिकेडिंग किया हुआ है, महिला पुलिस वाले जो लगी हुई है यहाँ बैरिकेडिंग के पास और जाने से रोका जा रहा है। हालांकि राजभवन मार्च है आज और राजभवन पहुंचकर राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू की मांग करेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान तस्वीर में आइए, पहले दिखा दिए भीड़ देखिए और भीड़ देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मंगल चौराहे में आज दृश्य बना हुआ है। हालांकि पूरी संख्या में बंदी है, मौजूद है पुलिस के द्वारा, पुलिस पर विरोध करना है माहौल गया है। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी रुकने के नाम नहीं, मंगल चौराहे पासवान जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी इस सरकार के विरोध ज्ञापन सौंपने जा रही है। राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की मांग करने जा रही है। कहां हम लोग शांतिपूर्ण मांग कर रहे हैं, चोरी हो सकता है लेकिन तस्वीर लोकतंत्र की हत्या है। बैरिकेडिंग किया गया है डकमंगला चौराहा पे पूरी तरह से, काफी संख्या में पुलिस महिला और बेरोजगारी और महिला सुरक्षा लिए कुमार की पुलिस लोक जनशक्ति पार्टी पुलिस रोका गया है। और तमाम जो यहाँ पे इनका कहना है कि पुलिस पूरी तरह से पूरी तरह से अपनी मौजूदगी में सुरक्षा बरत रही है क्योंकि, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे, ये लोग जाने के लिए अनुमति मांग रहे हैं। हालांकि पुलिस रोके हुई है यहाँ पर, लेकिन अब देखा जाएगा कि क्या हो सकता है, क्या होगा, क्या ये लोग जा पाएंगे वहाँ पर राजभवन तक। अपना हक की मांग करने के लिए रोड पे आता है तो उनपे पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज कराया जाता है। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है? सरकार हर मोर्चे पे विफल है। कहीं से 19 लाख रोजगार का वादा की, अभी हमारे जो जितने भी बेरोजगार भाई हैं दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कहीं भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा? सरकार तो हर मोर्चे पे विफल है। मुख्यमंत्री नहीं है हमारे आदरणीय गार्जियन नीतीश कुमार जी, पूरे बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नालंदा के हैं। क्यों? कारण ये है कि जब रोजगार की बात आती है, जब यहाँ एग्जाम होता है तो सारा रिजल्ट आता है तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट के लोगों का आता है। क्या बिहार में सारे लोग अनपढ़ हैं? सिर्फ और सिर्फ नालंदा के लोग ही पढ़े लिखे हुए हैं। दरोगा का बहाली आया, 400 छात्रों का आ गया रिजल्ट सिर्फ नालंदा से। एक ही घर में 8-8 को लोग दरोगा बन रहे हैं, ऐसा क्या नालंदा में है, बिहार में नहीं है? देखिए नीतीश कुमार जी, ये आप भीड़ जो देख रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी सरकार को हिला सकती है। आप तस्वीर देखिए, महिलाओं के जो भीड़ देख रहे हैं, लग सकता है कि इससे जब बिहार में जहरीली शराब से लगातार घटनाएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, आज सैकड़ों की स्थिति में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है दिनों दिन, नीतीश कुमार अपने हवा महल में बंद हैं और पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं। ना तो संवेदना है, ना उनके आंसू पोंछ रहे हैं, मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना भी देना उचित नहीं समझते हैं। ऐसी असंवेदनशील सरकार को अब सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। बिहार की जनता इस बात को समझ गई है, अब उनका छलावा जो 16 सालों से चल रहा था, विकास पुरुष का एक ढोंग कर रहे थे बिहार को विनाश के कगार पर और बिहार को देश के हाशिए पर रखने का काम किया है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें बिहार हर पैमानों पर, हर मानदंडों पर पूरी तरह फिसड्डी साबित हुई है। तो ऐसी नकारती और निकम्मी सरकार को आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास
उखाड़ फेंकने का काम करेगी और महामहिम से मिलकर इस आशय का एक ज्ञापन सौंपा जाएगा कि बिहार में क्यों नहीं अब राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, ताकि बिहार की अस्मिता बच सके, बिहार की बेटियां बच सके, बिहार के बेरोजगार बच सके, बिहार के छात्र बच सके, बिहार के युवा त्राहिमाम की स्थिति में है। आज युवा जब हक हुकूक की बात करते हैं सड़कों पे आके, तो उन युवाओं पे बिहार की नक्कारी और निकम्मी सरकार लाठी बरसाने का काम करती है। वार्ड सचिव जब वेतन मांगते हैं तो उन्हें अपने सरकारी सेवा से बहाली के बावजूद अपदस्त करने का काम करती है, सरकार से बाहर दिखाने का काम करती है, और जब वो हक हुकूक की बात करते हैं तो उन पे टियरिंग गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। मानो वो बिहार के युवा नहीं एक बड़े अपराधी हैं। अपराधियों सा व्यवहार अब नहीं चलेगा। ये जुल्मी सरकार के खिलाफ आज एक आगाज है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आज पूरी तरह से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। आज तमाम बिहार के युवा, छात्र, रोजगार, किसान सारे यहाँ मौजूद हैं, हजारों हजार की संख्या में, लाखों की संख्या में आज ये जो है मार्च निकलेगा, बिहार बचाओ मार्च, जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में निकलेगा। और आज बिहार की जनता इस बात से पूरी तरह वाकिफ हो गई है। अब ये छलावा बिहार सरकार का बंद होगा, उस पर पूरी तरह विराम लगाने का काम लोक जनशक्ति शक्ति पार्टी रामविलास करेगी। अंदाजा लगाया सकता है कि जिस तरह से लोक जनशक्ति पार्टी ने आज जो मुहिम छेड़ दिया है बिहार बचाओ अभियान, उसके तहत यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बिहार में अगर सुधार नहीं हुआ तो लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा इस तरह से लोगों के मदद के लिए आवाज उठाती रहेगी। आप तस्वीर देखिए और भीड़ देखिए, आज सभी जगह आपको लोक जनशक्ति पार्टी के जो झंडा दिखाई दे रहा है, उनके जो समर्थक दिखाई दे रहे हैं, कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, भीड़, ये भीड़ से आपको अनुमान लग सकता है नीतीश कुमार जी कि जो लोक जनशक्ति पार्टी है जो आज मुहिम छेड़ दिया है उससे कहीं ना कहीं आपकी सरकार खतरे में पड़ सकती है और हालात बदल सकती है। इसलिए समय से पहले इस चीज़ को ध्यान दे कि जिस तरह से बिहार में आप हालात बन रहे हैं, बिहार में हत्या, रेप, बलात्कार, मर्डर जो बढ़ रहे हैं उसको रोकने का कोशिश कीजिए। आज जो नीतीश जी के गतिविधि के हिसाब से चलते हुए हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चिराग पासवान जी जो अपना पैगाम रखे हैं, नीतीश जी सुशासन में कुशासन हैं और कब तक जालिम जुल्म करोगे सत्ता के हथियारों से, नीतीश जी आपका जुल्म और बर्दाश्त जनता नहीं कर सकती है। बिहार की जनता सड़क पर उतर चुकी है, कब तक जालिम जुल्म करोगे सत्ता के हथियारों से। अब चापा चापा गूंज उठी है परिवर्तन के नारों से, चापा चापा गूंज उठी है परिवर्तन के नारों से। हम सभी के बीच में आज चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे जाकर राजभवन, और हमारी पार्टी जो है सक्रिय रूप में आज सक्रियता दिखा रही है। हम सभी लोग एक स्वर में चिराग पासवान को लेकर राजभवन जाएंगे और राष्ट्रपति महोदय को देंगे कि आप राष्ट्र शासन लगाएं। राष्ट्रपति शासन लागू की मांग करेंगे। जी जी, हम लोग राष्ट्र शासन लागू करने की मांग करेंगे।